ऑलराइट, सो इस वीडियो सॉल्यूशन में हम देखेंगे पार्ट जी ऑफ द क्वेश्चन जो है पीएसडी फॉर मैनचेस्टर पोलर। ठीक है, पीएसडी फॉर मैनचेस्टर पोलर शुरू करते हैं। पार्ट जी ऑफ द क्वेश्चन पीएसडी फॉर मैनचेस्टर पोलर। ठीक है, मैनचेस्टर पोलर, मैनचेस्टर यूनिपोलर का केस मैंने इंक्लूड नहीं किया है क्वेश्चन में। इसका मतलब यह है कि मैनचेस्टर यूनिपोलर आप खुद से ट्राई करोगे। ठीक है, अभी तक मैंने अभी तक 7 टोटल मैंने बात करा है ना, ये 7वां है यूनिपोलर और मैनचेस्टर यूनिपोलर का केस आप खुद से ट्राई करोगे, देखो कर पाते हो कि नहीं। ठीक है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया ताकि आप कर सको। ओके, नाउ मैनचेस्टर यूनिपोलर का सिक्वेंस की बात कर दूं ना, मैनचेस्टर पोलर पोलर सिक्वेंस फॉर 1010 फॉर एग्जाम्पल कैसा रहता है मैनचेस्टर पोलर में। मैनचेस्टर पोलर में इंफॉर्मेशन होगा ट्रांजिशन पे, है ना, मैनचेस्टर पोलर पे इंफॉर्मेशन होता है ट्रांजिशन पे। ओके, तो मान लो मैं 1 के लिए डाउन ट्रांजिशन लेता हूं तो ऑटोमेटिकली 0 के लिए अप ट्रांजिशन। उसका रिवर्स भी कर सकते थे हम लोग, क्या कि 1 के लिए अप ट्रांजिशन एंड 0 के लिए डाउन ट्रांजिशन कर सकते थे, लेकिन एग्जांपल के तौर पे हम लोग 1 के लिए डाउन ट्रांजिशन ले रहे हैं। तो अगर ये 0 0 पॉइंट है टाइम 0 तो ये 1 के लिए डाउन ट्रांजिशन, ये एम्पलीट्यूड मैं प्लस से ले रहा हूं तो ये एम्पलीट्यूड माइनस से। ठीक है, तो ये हाफ ऑफ द ड्यूरेशन, ये अगर 0 है तो ये टीबी बाई 2 पे ट्रांजिशन डाउन ट्रांजिशन 1 के लिए, और ये हो गया आपका टीबी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है 0, तो 1 को डाउन ट्रांजिशन लिया तो 0 को अप ट्रांजिशन, तो वापस से हाफ ड्यूरेशन पे ये अप ट्रांजिशन। ठीक है, तो ये पेन कर रहा है 0, तो ये टीबी, तो ये 2 टीबी और बीच का 3 टीबी बाय 2। नेक्स्ट वापस से 1 आया तो डाउन ट्रांजिशन इस तरह डाउन ट्रांजिशन 1 दिखाएगा, करेक्ट, वापस से 0 आया तो अप ट्रांजिशन। ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अब बेसिक पल्स की बात कर दूं। बेसिक पल्स क्या होगा इस बार देखते हैं। पी ऑफ टी और सीक्वेंस को मैं एक्स ऑफ टी बोलूंगा हर बार की तरह। ओके, नाउ बेसिक पल्स कौन सा ले सर, देखो ये वाला है ना, ये वाला ऐसा जो है अप हो या डाउन हो, यही बेसिक पल्स 0 के लिए उल्टा करके है ना, इसी का पल्स 1 के लिए ऐसे है और उसी को उल्टा करके 0 के लिए, करेक्ट, तो इसको हम लोग बेसिक पल्स ले सकते हैं। ये ऐसा है इस बार बेसिक पल्स सर, ऐसा है तो ये 0, ये टीबी बाय 2 और ये टीबी, करेक्ट, तो इसका एम्पलीट्यूड 1 और इसका एम्पलीट्यूड माइनस। नाउ नेक्स्ट हमको क्या चाहिए, पीएसडी के एक्सप्रेशन में हमको पी ऑफ एफ चाहिए, मतलब इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म चाहिए। ठीक है, नाउ अगर आपको इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म पता है तो डायरेक्ट लिख लो, मुझे तो नहीं पता तो मैं प्रॉपरली करूंगा ना, जिसे इसको पता है वो लिख लो, अगर आपको पता है तो लिखो, नहीं पता है ना, अगर जिस बच्चे को नहीं पता है उनको भी मुझे उनसे भी बात करनी है ना, तो चलो करते हैं, किसी किसी को पता होता है इसलिए बोल रहा हूं। ठीक है, किसी कोई कोई बच्चे याद रख लेते हैं, अच्छी बात है ना, शॉर्ट होगा, लेकिन मुझे याद नहीं है ना, जिस बच्चों को मेरी तरह याद नहीं है तो चलो प्रसिद्ध करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग तोड़ के अगर ड्रॉ करें, इसको अगर मैं जो तोड़ के ड्रॉ करूं दो भाग पे, इसको पी वन ऑफ टी बोल देंगे, जो पहला पार्ट ना, ये जो पहला पार्ट, तो ये 1, ये टीबी बाई 2 माइनस, उल्टा ड्रॉ नहीं करूंगा तो माइनस कर लेते हैं, माइनस दूसरा पार्ट पी टू बोल देंगे, पी टू ऑफ टी कहां से कहां तक है, ये टीबी बाई 2 से टीबी तक सर, सीधा ड्रॉ करेंगे पॉजिटिव साइड में, ये टीबी बाई 2 से टीबी तक। नाउ भले ही हमको इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म नहीं पता हो, भले इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म नहीं पता हो, लेकिन हमको इसका
और इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म भली भांति पता है ना। चलो तो करते हैं, यहां पर रखता हूं। तो पी ऑफ एफ कैसे मिल जाएगा सर? ये पी ऑफ टी है, पी वन ऑफ टी माइनस पी टू ऑफ टी। तो पी ऑफ क्या होगा? पी वन ऑफ एफ माइनस पी टू एफ, करेक्ट। जहां पे पी वन ऑफ एफ क्या है सर? पी नो एफ। देखो ये कितना है इसका टोटल, टोटल विथ टी बाय टू। तो आ जाएगा टी बाय टू सिंक एफ टीबी बाय टू, टीबी बाय टू सिंक एफ टीबी बाय टू। फिर शिफ्टेड है कितना से, है ना, ऑपस ओरिजिन पे, मिडिल पॉइंट इसका ओरिजिन पे जाना है। तो क्या होगा? टीबी बाय फोर, मतलब एक्सपोनेंशियल माइनस जे टू पाई एफ टीबी बाय फोर। नेक्स्ट सिमिलरली पी टू ऑफ एफ क्या है? पी टू एफ का भी विथ टीबी बाय टू ही है। तो ये टीबी बाय टू सिंक एफ टीबी बाय टू। फिर शिफ्ट करना है, कितने शिफ्ट हो रखा है? इसका मिडिल पॉइंट ओरिजिन पे पहुंचना है ना, इसका मिडिल पॉइंट ओरिजिन पे। मिडिल पॉइंट है कितना? ये हाफ है, टीबी बाय टू है, ये टीबी है, मतलब मिडिल पॉइंट इसका कितना होगा? थ्री टीबी बाय फोर, जीरो पॉइंट सेवन, जीरो पॉइंट सेवन है ना, जीरो पॉइंट फाइव टीबी है, ये वन टीबी है, बीच का पॉइंट जीरो पॉइंट सेवन, जीरो पॉइंट सेवन मतलब थ्री बी बाय थ्री बाय फोर, मतलब थ्री टीबी बाय फोर। तो एक्सपोनेंशियल माइनस जे टू पाई एफ थ्री टीबी बाय फोर, करेक्ट है सर? ये इस बात को आप केयरफुली लर्न कर लोगे, ठीक है? अगर आप इस पे कंफर्टेबल नहीं हो, मैंने क्या किया जान दो, हमको बनाना क्या है, हमको सर ये है हम लोग का रेक्ट, है ना, ये है हम लोग का रेक्ट जिसका मिडिल पॉइंट ओरिजिन पे पहुंचना है। तो ये तो शिफ्टेड रेक्ट है, कितना ज्यादा शिफ्ट हुआ इसको, मतलब वापस ले जाओ तो ये बनेगा, ये बनेगा, मतलब इसका मिडिल पॉइंट, इसका मिडिल पॉइंट ओरिजिन में पहुंचना है ना। तो मिडिल पॉइंट क्या है? ऑफ कोर्स आप प्लस करके डिवाइड बाय टू कर दो आराम से, लेकिन आप देखते ही, मैं चाहता हूं आप देखते ही इसको बता पाओ। तो टीबी बाय टू मतलब 0.5, और टीबी हटा के बात करूं तो हाँ 0.5 और 1 का बीच का पॉइंट 0.75, फ्रैक्शन में बोलू तो 3/4 है ना, तो वही करेक्ट। ओके चलो अब पी ऑफ एफ की बात करते हैं। तो पी ओ एफ क्या है? इन दोनों का माइनस, इन दोनों का माइनस करना है, जो भी कॉमन है ले देते हैं। कॉमन क्या आ सकता है? टीबी बाय टू सिंक एफ टीबी बाय टू, है ना। तो टीबी बाय टू सिंक ऑफ एफ टीबी बाय टू, फिर ब्रैकेट पे एक्सपोनेंशियल वाला टर्म माइनस जे टू पाई एफ टीबी बाय फोर। चलो इसका एक काम करता हूँ, कैंसिलेशन कर देता हूँ, टू बन गया, इसका भी टू बन गया। तो यहाँ पे ये टीबी बाय टू हो गया, टीबी बाय टू। फिर माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस जे पाई एफ थ्री टीबी बाय टू, करेक्ट। नाउ काफी बच्चे इसको यहीं पे छोड़ देंगे, है इसके बाद नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो ऑलर फॉर्मेट में नहीं जा रहा, ऑफकोर्स नहीं जा रहा, क्योंकि ऑलर फॉर्मेट में होने के लिए एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस है तो माइनस, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स डिवाइड बाय ट्वाइस जे, ट्वाइस जे तो टर्म कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट ऑर्डर फॉर्म में नहीं है, इस वजह से क्या करते हैं बच्चे, इसको छोड़ते हैं। नहीं नहीं सर, इसको हम ऑर्डर फॉर्मेट में बदल सकते हैं, इसको हम ऑर्डर फॉर्मेट में बदल सकते हैं। कैसे? अगर आपको पता है बहुत बढ़िया, लेकिन काफी बच्चों को क्या होता है, नहीं आता है, और ये एक्सप्रेशन आपको बहुत बार आएगा, सिग्नल्स में तो काफी बार आता है, तो आप इसको केयरफुली लर्न कर लोगे, ठीक है, आप इसको केयरफुली लर्न कर लोगे किस तरह हमको प्रोसीड करना होता है, और इसको ऑर्डर फॉर्मेट में हम लोग बदल सकते हैं। कैसे? ध्यान देना, यहां पे देखो माइनस जे पाई एफ टीबी, माइनस जे पाई एफ टीबी, यहां पे 1/2, यहां पे 3/2, दोनों का बीच का पॉइंट लो। 1/2 कितना होता है? 0.5, 3/2 मतलब 1.5, बीच का पॉइंट 1, उसको हम कॉमन लेंगे, उसी को हम कॉमन लेंगे, मतलब एक्सपोनेंशियल माइनस जे पाई एफ टीबी 1 को कॉमन लेंगे। क्या बोल रहा हूं ये देखो, इसमें से मैं माइनस जे पाई एफ टीबी ऑफ 1 कॉमन ले लू अगर, ठीक है, किसको 1 कैसे डिसाइड किया मैंने, टीबी बाय 2, अगर सब कुछ हटा के बोलू सब कुछ सेम है, बस यहां में 1/2 है, हमें 3/2 है, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करो, या फिर मिडिल, दोनों का मिडिल पॉइंट ढूंढो, है ना, क्या है 1, तो उसी को मैंने कॉमन लिया, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा सर, इससे ऐसा क्या करूं, ऐसा क्या करूं, इससे क्या मल्टीप्लाई करूं तो वापस से मिल जाए, फिर इससे कॉमन ले लो, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, ये एक्सपोनेंशियल प्लस जे पाई एफ टीबी बाय टू, है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो ये मिलेगा, है ना। ऑलराइट, नेक्स्ट माइनस इससे,
ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो इसके साथ जो वापस से ही मिल जाए, क्या होगा? ये एक्सपोनेंशियल माइनस जे पाई एफ टी वी बाय टू, ये होगा। जितना प्लस होंगे तो ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना? वन प्लस टू, वन प्लस हाफ, थ्री बाय टू, करेक्ट। अब देखो ये अलग फॉर्मेट में आ गया, अब अलग फॉर्मेट में आ गया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया। लेकिन क्या है, अभी इसको डिवाइडेड बाय टू जे मल्टीप्लाई विद टू जे करना है, है ना? मल्टीप्लाई विद टू जे करना है, कर लेते हैं। ओके, सो ये टी वी बाय टू सिंक एफ टी वी बाय टू, ये तुझे तुझे गया, और ये टर्म क्या बन जाएगा? साइन एफ टी वी बाय टू, है ना? साइन एफ टी वी बाय टू, साइन पाई एफ टी वी बाय टू, साइन पाई एफ टी वी बाय टू, ये टर्म बन गया आपका साइन पाई एफ टी वी बाय टू, ठीक है। और यहां से टू टू कैंसिल हुआ, टू टू कैंसिल हुआ, यहां आ जाते हैं, तो क्या मिला? पी ऑफ एफ मिल गया है, ये जे टी बी सिंक एफ टी वी बाय टू, और ये साइन का टर्म है, जे टी बी एफ, सॉरी जे एफ नहीं, अभी जे टी बी सिंक एफ टी बी बाय टू, फिर यहां से साइन वाला टर्म साथ में लिख देता हूं, साइन पाए, साइन पाए एफ टी बी बाय टू, फिर एक्सपोनेंशियल टर्म है एक्सपोनेंशियल माइनस जे पाई एफ टी बी, एक्सपोनेंशियल माइनस जे पाई एफ टी बी, करेक्ट। ये नाउ अब साइन के साथ जब भी अंदर पाए रहे, साइन के साथ जब भी अंदर पाए रहे, हम इसको सिंक बना लेंगे, ठीक है? तो ये डिवाइडेड बाय पाई एफ टी बी बाय टू, डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो ये पाई एफ टी बी बाय टू, ठीक है? ये मेरा पी ऑफ एफ है, चलो ठीक है। ऑलराइट, नाउ ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। अब ये बन गया है क्या? ये तो बन गया है सिंक एफ टी बी बाय टू, सिंक एफ टी बी बाय टू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका सिंक एफ टी बी बाय टू, सिंक एफ टी बी बाय टू, और दोनों मल्टीप्लाई हो गए, और यहां पे क्या बचेगा? ये टी बी स्क्वायर हो गया एफ, तो जे पाई एफ टी बी स्क्वायर बाय टू, और यहां पे आ गया आपका सिंक स्क्वायर एफ टी बी बाय टू, एक्सपोनेंशियल टर्म है एक्सपोनेंशियल माइनस जे पाई एफ टी बी, ये क्या मिला हमको? ये इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म मिल गया है पी ऑफ एफ, है ना? हम लोग का जो बेसिक पल्स मिला था, ये बेसिक पल्स मिला था, ये उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन सर ये है। आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आ गया वगैरह वगैरह की बात नहीं सोचेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको क्यों, हमको क्या चाहिए? इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड में जे हट जाएगा, एक्सपोनेंशियल हट जाएगा, करेक्ट। ओके, नाउ और क्या चाहिए हमको? अब चाहिए हमको ऑटोकोरिलेशन फंक्शन आर एक्स सेवन, है ना? ऑटोकोरिलेशन फंक्शन आर एक्स सेवन। ओके चलो वापस आते हैं यहाँ पे बेसिक पल्स पे। अब इस बेसिक पल्स का यूज करके, बेसिक पल्स का यूज करके हम क्या बनाएंगे? इस सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, हर बार की तरह। देयरफॉर एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू समेशन एल माइनस इनफिनिटी लेके प्लस इनफिनिटी पी ऑफ टी माइनस एल टी बी, और इसका एम्पलीट्यूड के लिए हम लोग ए एल रिप्रेजेंट करेंगे, वेयर ए एल इज इक्वल्स टू। अब ए एल क्या होगा? यहां पे आप वरी नहीं करोगे कि सर इन्फॉर्मेशन तो ट्रांजिशन पे है तो ए एल किस तरह करेंगे, ना ना ना, इन्फॉर्मेशन रीड करना हमारा पर्पस नहीं है, हमारा पर्पस है इसको रिप्रेजेंट करना, तो हम ए एल एम्पलीट्यूड के लिए ही बनाएंगे, ठीक है? वापस से बोलता हूं, इन्फॉर्मेशन कहां पे है, ट्रांजिशन पे है कि लेवल्स पे है, हमको इसका वरी नहीं करना है, क्योंकि हमको इन्फॉर्मेशन रीड नहीं करना है, हमको इसका शेप वरी करना है ना, हम इसके शेप के बारे में बात कर रहे हैं, तो ए एल अभी भी एम्पलीट्यूड के लिए ही डिफाइन होगा, ठीक है? और क्या होगा? तो वन के लिए प्लस है, अगर मैं फर्स्ट पार्ट ले लूं तो हर एक के लिए फर्स्ट पार्ट ही लूंगा, अगर लेकिन हम सेकेंड पार्ट भी ले सकते हैं ना, इसका दो पार्ट है, ये पार्ट एक, दूसरा पार्ट ये, सेकेंड पार्ट ले लू तो हर एक के लिए भी सेकेंड पार्ट ही लेंगे,
तो आप फर्स्ट पार्ट लो या फिर सेकंड पार्ट लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन केयरफुली, अगर फर्स्ट पार्ट लिया तो सबके लिए फर्स्ट पार्ट लेंगे, सेकंड पार्ट लिया तो सबके लिए सेकंड पार्ट लेंगे। चलो हम लोग यहां पे फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, तो वन के लिए प्लस ए, क्योंकि एल तो एम्पलीट्यूड बताएगा उसको, ड्यूरेशन से क्या मतलब, तो एल वन के लिए प्लस ए होगा और जीरो के लिए पहला पार्ट माइनस ए, ठीक है। तो ये हो गया एल प्लस ए फॉर बिट वन और माइनस ए फॉर बिट जीरो, करेक्ट। कुछ याद आ रहा है क्या? ये ऐसा एग्जैक्टली ऐसा एल हमको मिला था पोलर के केस में, है ना, पोलर के केस में। तो पोलर का केस हम कर चुके हैं ना, पोलर का केस कर चुके हैं, तो इसका ऑटोकोलेशन फंक्शन भी हम डायरेक्टली वहीं से यूज कर लेंगे, ठीक है। आर एक्स सेवन क्या था? ये था आपका ए स्क्वायर फॉर एन इक्वल्स टू जीरो एंड जीरो फॉर एन नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। ये था, ये रिजल्ट मैंने कहां से ले लिया? जो पोलर का डिस्कशन किया था, है ना, सेकेंड पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, सेकेंड वीडियो, है ना, चार वीडियो दिख रहे हैं आपको इस क्वेश्चन के लिए, चार वीडियो दिखेंगे, उसके सेकेंड वाले वीडियो में हम लोग ने इसको किया था, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा अगर तो आप देख सकते हो, तो ये रिजल्ट वहां में किया था, तो बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा, मैं फायदा उठा रहा हूं, ठीक है, कर चुके हैं तो वापस से नहीं करूंगा। ओके चलो, तो आर एक्स सेवन रेडी हो गया, पी ओ एफ भी रेडी हो गया, है ना। तो अब क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट करके रिजल्ट निकालना है। चलो ठीक है, कर लेते हैं, एक मिनट। ओके चलो, सो पी एस डी एस ऑफ एफ इज इक्वल्स टू पी एफ के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर टी बी टू पावर फोर, तो पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर टी बी टू पावर फोर डिवाइडेड बाय फोर, नीचे ले आता हूँ, फोर टी बी ऑलरेडी है यहाँ पे, सिंक पावर फोर, सिंक पावर फोर एफ tb by 2, है ना, f tb by 2। फिर ये समेशन का टर्म है, ये समेशन का टर्म में n is equals to अगर 0 पुट कर दें तो rx of 0 a स्क्वायर मिलेगा, और n का वैल्यू 0 के बजाय कुछ भी पुट करो तो rx of n 0 बनेगा, मतलब ये समेशन का टर्म बस क्या बचेगा, a स्क्वायर, ओनली a स्क्वायर, करेक्ट है। अब हम थोड़ा सा रिअरेंज कर लेते हैं, और यहां पे एक tb है तो ये क्यूब बन गया, कैंसल, तो बचा क्या है, x of f is equals to pi squared f squared tb cube a squared by 4, फिर यहां पे ये sinc power 4 f tb by 2, ठीक है। ये एक्सप्रेशन है आपका PSD for the case of Manchester polar, ठीक है, for the case of Manchester polar, ये है PSD मैनचेस्टर पोला। ऑलराइट चलो, नाउ यहां पे दिसी टर्म नहीं था, है ना, दिसी टर्म नहीं था, जीरो है, तो यहां पे कोई इंपल्स का टर्म नहीं आना था, आया भी नहीं, चलो बढ़िया। अब इसका हम अगर प्लॉट बना दे, इसका अगर मैं प्लॉट बना दे इधर ऐसे, तो साइन टू दी सिंक पावर फोर से आपको डरना नहीं है, सिंक स्क्वायर की तरह बनेगा, ठीक है, जहां जहां नल है वहां वहां नल होगा, है ना, शेप भी वैसे ही बनेगा। तो कैसा बनता है सर, ये ऐसा है पी एस डी सेम ऐसा, ओ सॉरी एक मिनट, यहां पे दिसी नल है, राइट, यहां पे दिसी नल है, देखो एफ स्क्वायर लास्ट टाइम की तरह एफ स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी दिसी नल बनेगा, करेक्ट। तो पहला ओरिजिन पे तो दिसी नल मिलेगा, दिसी नल मिलना एक अच्छी बात, तो इसका शेप सर ऐसा, ठीक है। Alright. और यहां पे पहला नल कब बनेगा, टीबी बाय टू है तो टू बाय टीबी, फिर ये फोर बाय टीबी, ये सिक्स बाय टीबी ऑल द वे, ओरिजिन पे दिसी नल मिला है, अच्छी बात, माइनस टू बाय टीबी, माइनस फोर बाय
टीबी माइनस 6/TB एंड ऑल द वे, करेक्ट है। तो यहाँ पे सर, यहाँ पे भी हमको डिसिनल मिला है, है ना, यहाँ पे भी हमको बायपोलर की तरह यहाँ पे भी हमको डिसिनल मिला है। चलो ठीक है, और यहाँ पे एसेंशियल बैंडविड्थ की बात कर दूं, अगर है ना एसेंशियल बैंडविड्थ की बात कर दूं, तो बैंडविड्थ है आपका कितना, मैनचेस्टर पोलर के केस यहाँ लिख देता हूँ, मैनचेस्टर पोलर तो एमपी लिख दिया, कितना है सर 2/TV या फिर ट्वाइस आरबी, ठीक है ट्वाइस आरबी, चलो ये ट्वाइस आरबी। सो यहाँ पे डिसिनल मिला है, लेकिन लास्ट टाइम की तरह है ना, लास्ट टाइम की तरह हमको एडवांटेज नहीं मिला है, जिसकी बात कर रहा हूँ बायपोलर, बायपोलर में हम लोग नॉन रिटर्न टू जीरो में जो देखा था, रिटर्न टू जीरो में जो देखा था है ना, तो वो एडवांटेज नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे भी डिसिनल मिला है, ठीक है। तो आप मुझे बताना कि मैनचेस्टर यूनिपोलर, मैंने बोला आप करोगे, तो आप मुझे बताना कि मैनचेस्टर यूनिपोलर में डिसिनल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, एंड उसका बैंडविड्थ कितना, ठीक है। आप मुझे बताओगे, कैसे बताओगे, आप मुझे मैसेज कर सकते हो डायरेक्ट है ना, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, ठीक है, या फिर डाउट क्लियर वाले ग्रुप में भी आप बता सकते हो मुझे, ठीक है, वहां पे हम कम्युनिकेट करते हैं, तो आप डायरेक्ट उस पर भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप मुझे बताओ, अगर आपका कोई डाउट वगैरह है तो आप मुझे डाउट क्लियर वाले टेलीग्राम ग्रुप पे आप मुझे बोलो, तो हम डिस्कस कर लेंगे आपका डाउट, ठीक है, लाइव जूम कॉल पे, ठीक है। ऑलराइट, तो ये डिस्कशन पूरा हुआ मेरा सातों केस, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी और लाइन कोडिंग टेक्निक, ठीक है। मैंने सारे डिस्कस नहीं किए, और भी बहुत सारे, लेकिन हमको उनकी जरूरत नहीं है। मेरा मकसद ये था कि आपको ये प्रोसीडियर दिखाऊं, ठीक है, आपको ये प्रोसीडियर दिखाओ। जैसे मैंने पहले बोला कि ये आपको कोई बना बनाया लाइन कोडिंग टेक्निक्स गेट पे नहीं आ रहा है ना, मतलब ये एक्सप्रेशन याद करना इज नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन ये जो प्रोसीडियर आया, ये सिर्फ प्रोसीडियर दिखाया मैंने सातों बार, वो आपको जानना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन की बात कर दूं, जो अच्छे बच्चे हैं जो ट्राई करते हैं सही से, तो कहां फंसते पता है, यहाँ पे ये जो आरएक्स वाइन जो निकलता है ना, यहाँ पे फंसते, वो ट्राई करते हैं इसका पूरा, इसका आरएक्स वाइन निकालने की कोशिश करेंगे तो फंस जाते हैं, ठीक है। आपको इस तरह निकलना, आपको समझना है कि इसको हम किस तरह ऐसे दो पार्ट में भाग रहे हैं, जहां पे इसका पूरा रेंडमनेस AL पे आया है, उसका मतलब आप ऑटो कोरिलेशन फंक्शन AL का निकालोगे, ठीक है। इस तरह आप तोड़ के करो, तब देखो डेफिनेटली बनेगा क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आए हैं डेफिनेटली बनेंगे, ठीक है। तो आप सही से ट्राई करो, तो अब इस सेक्शन वन का, सेक्शन टू का आप प्रॉपरली क्वेश्चन बनाओगे, ठीक है, खुद से ट्राई करना, देखो बन रहा है कि नहीं, ओके। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, थैंक यू।